हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धार्थ और आज मेरे साथ है द ऑल न्यू होंडा CB 300F। बट बिफोर आई कंटिन्यू लेट मी टेल यू, ये मोटरसाइकिल CB 300R से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही जुदा है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल टक्कर देती है KTM Duke 250, सुजुकी जिक्सर 250 और यही नहीं BMW G310R जैसी मोटरसाइकिल्स को। मैं आने वाले इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये मोटरसाइकिल CB 300R से अलग है और यही नहीं, कैसे ये मोटरसाइकिल ये जो एफोरमेंशन राइवल्स हैं उनको टक्कर देने में सक्षम साबित हो सकती है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन और फीचर्स के साथ। तो अगर हम डिज़ाइन की ही बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला था CB 300R से ये मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग है, बिकॉज वो एक नियो कैफे रेसर है। ऑन द अदर हैंड ये जो है ये एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन वाली मोटरसाइकिल है, विच मीन्स कि CB 300R से कंपैरिजन में ये मोटरसाइकिल दिखने में बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट दिस लुक्स मोर अग्रेसिव, दैट मोटरसाइकिल इज ऑन द क्लासियर साइड, थोड़े इसमें रेट्रो टचेस हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर स्ट्रीट नेकेड जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही एग्रेसिव लगती है। फ्रंट एंड पे बात करें तो काफ़ी एक प्रीमियम बाइक वाला लुक आता है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं गोल्ड प्लेटेड USD फॉक्स विच गिव इट अ एक्सपेंसिव बाइक वाली लुक। और ये नहीं, थोड़ा अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही वेल स्कप्टेड यहाँ पे आपको बड़े टैंक शॉट्स मिल रहे हैं, विच अगेन एड टू द मस्कुलैरिटी ऑफ द डिज़ाइन। एंड इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द मस्कुलैरिटी, तो इसका जो टैंक जो है वो भी काफ़ी वेल स्कप्टेड है, काफ़ी सही क्रीजेस, काफ़ी आपको शार्प क्रीजेस मिल रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस गिव्स दिस मोटरसाइकिल अ वेरी अग्रेसिव लुक, अ वेरी मस्कुलर लुक। यही नहीं, अगर हम और बात करें तो आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाती है, एक काफ़ी स्लीक टेल पीस मिलता है और यहाँ पे कुछ फॉर एयर वेंट भी मिल जाते हैं, विच अगेन गिव्स इट अ प्रीटी स्पोर्टी अपीयरेंस। पीछे आपको मिलता है एक LED टेल लैम्प, और अब हम LED टेल लैम्प की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस मोटरसाइकिल में जितनी भी लाइटिंग फिक्चर्स हैं, बी इट द लैम्प, बी इट द टेल लैम्प और बी इट द इंडिकेटर्स, ऑल ऑफ देम आर LEDs, सो दैट अगेन इज़ अ वेरी मॉडर्न टच। एंड अगर हम ओवरऑल इसके फॉर्म फैक्टर की बात करें सो दिस इज़ अ थरोली मॉडर्न, थरोली आई वुड से न्यू एज डिज़ाइन, एक प्रॉपर जैसे स्ट्रीट फाइटर होती हैं उनके जैसे ही है। इनफैक्ट होंडा के जो कुछ महंगे स्ट्रीट फाइटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी कुछ उनके जैसे दिखते हैं। एक प्रॉपर एक इसमें वर्ल्ड क्लास लुक मिली है। एंड 300R के कंपैरिजन में डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, इसमें रेट्रो टचेस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देन अगेन इट्स अ मॉडर्न डिज़ाइन एज कम्पेयर टू द क्लासिक डिज़ाइन ऑफ द CB 300R। और फिर अगर हम इसके राइवल से भी बात करें तो जैसे कि आपको ने देखा होगा कि Duke 250 में काफ़ी अग्रेसिव सा डिज़ाइन है, वैसे ही कुछ इसमें है। ऑल्दो बोथ द बाइक्स दे लुक कम्प्लीटली डिफरेंट विदाउट अ डाउट, सुजुकी जिक्सर 250 से डेफिनेटली ये बाइक शार्पर है, इट लुक्स मोर अग्रेसिव। And on the same hand, it looks as big as the BMW G310R. So overall, अगर हम design की बात करें तो I would say Honda has been successful in giving this motorcycle a very premium and a very aggressive look, which not just makes it look really good on the road, but also gives it a pretty unique, distinct identity, especially when you compare it with the CB 300R. तो दोस्तों ये तो बात की design की, अब हम आते हैं features पे। तो इस मामले में भी Honda has made sure that the CB 300F, it comes across as a very premium offering. फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको मिलती है एक LED हेडलैम्प, साथ ही साथ आपको मिलता है एक 110 क्रॉस सेक्शन टायर, विच इज़ प्रीटी वाइड फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस सेगमेंट। यही नहीं, आपके जो फ्रंट फोक्स हैं दे आर USDs एंड दे हैव अ गोल्ड प्लेटेड फिनिश, विच अगेन एग्जीक्यूट अ वेरी वेरी प्रीमियम लुक। देन मूविंग अहेड, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज़ अ डिजिटल यूनिट विच इज़ बैकलेट, और यही नहीं ये स्मार्टफोन को सपोर्ट भी करता है, तो थ्रू वॉइस कंट्रोल्स यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मैसेजेस एंड कॉल, एंड दिस इज डन वीआ अ ब्लूटूथ हेलमेट। फिर अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको काफ़ी प्रीमियम स्विच गियर मिल जाता है, यही नहीं एक एयरक्राफ्ट टाइप फ्यूल फिलर भी मिल जाता है, एंड देन यू गेट अ स्प्लिट सीट सेटअप। और अगर हम इंजन की ही बात करें तो इंजन केस पे आपको एक गोल्ड फिनिश मिल जाती है, विच काइंड ऑफ गोज वेल विद द USDs, एंड यही नहीं आपको यहाँ पे एक स्लिपर असिस्ट भी मिलता है क्लच पे, विच अगेन इज समथिंग दैट एड्स परफॉर्मेंस। तो हम परफॉर्मेंस पर बाद में बात करेंगे, लेट्स फोकस मोर ऑन द फीचर्स। तो आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं विच लुक वेरी वेरी चंकी। एंड फिर फाइनली पीछे पे अगर हम गौर करें तो आपको 150 क्रॉस सेक्शन टायर मिलता है, विच इज़ क्वाइट वाइड। इनफैक्ट अगर हम और यहाँ पे गौर करें तो आपको बता दूँ कि इसमें आगे और पीछे दोनों ही तरफ काफ़ी बड़े साइज के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अहेड यू गेट 276 मिलीमीटर्स, एट द रियर यू गेट 220 मिलीमीटर्स, विच इज़ क्वाइट गुड। ऑल्दो CB 300R से थोड़े से कम हैं ये साइज़ में, बट देन अगेन यू गेट डुअल चैनल ABS विच इज़ स्टैंडर्ड ऑन बोथ द वेरियंट्स। एंड फाइनली रियर एंड पे आपको मिलती है LED टेल लैम्प, एंड जैसा कि मैंने कहा था इसकी सारी लाइट्स जो हैं वो LED यूनिट्स हैं। तो ओवरऑल आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक और ऐसा फीचर जो कि दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड अ गुड पार्ट इज दैट दिस ट्रैक्शन कंट्रोल कैन बी स्विच्ड ऑफ, एंड लाइक आई सेड ये आपको दोनों वेरिएंट्स में मिल रहा है, एंड दिस विल एक्चुअली मेक योर जर्नीज सेफर।
Given the price point, this motorcycle is quite feature laden, and that goes well with the premium image that this design is trying to establish. तो दोस्तों ये तो बात थी डिजाइन और फीचर्स की. अब हम आते हैं स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस पे. तो आपको मिलता है 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वॉल्व इंजन विद SOHC सेटअप. ये बनाता है 23.8 bhp की मैक्सिमम पावर और 25.6 nm का पीक टॉर्क. द मोटर कम्स मेटेड टू अ 6 स्पीड गियरबॉक्स, एंड जैसा मैंने आपको बताया था इसमें आपको स्लिपर क्लच भी मिल जाता है. CB300R के कंपैरिजन में ये इंजन जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज CB300R हैज अ 286 सीसी इंजन, बट देन अगेन that one outputs 31.1 bhp of maximum power and 27.5 nm of peak torque. In fact, BMW 310R or KTM Duke 250 se bhi ye motorcycle kam powerful hai, but then again it's on the lighter side, around 10 se 15 kilo tak halki hai apne rivals se, so that does help aid performance a bit. और अगर हम ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं इस मोटरसाइकिल को आज मैंने काफ़ी चलाया है. आई रोड इट ऑन ओपन रोड्स, आई इवन रोड इट ऑन स्लाइट ट्विस्टीज एंड स्लाइटली माउंटेनियस रोड्स, एंड ओवरऑल आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल. इन ट्रू होंडा फैशन ये इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ऑलमोस्ट रिफाइंड टू अ फॉल्ट, क्योंकि कभी कभी रिफाइनमेंट जो है दैट टेक्स ओवर द सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, बट देन अगेन आई एम एक्चुअली निट पिकिंग हेयर. और रिफाइनमेंट इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली मेक योर लॉन्ग जर्नी इज वेरी कम्फर्टेबल. तो वो बात एक हो गई. दूसरी बात अगर हम करें इसके परफॉर्मेंस की, हाउ वेल इट पुट्स डाउन द पावर ऑन द रोड, तो मैं आपको बता दूँ इट इज़ क्वाइट अ पावरफुल बाइक. इनफैक्ट इट हैज़ बीन ट्यून्ड फॉर सिटी राइडिंग. तो सिटी में आप बहुत आसानी से इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी तेज चला सकते हैं, काफ़ी एक आई वुड से यू कैन कट थ्रू द ट्रैफिक, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पावर ऑन ऑफर. काफ़ी पंची इंजन है और इनिशियल जो इसके तीन चार गियर्स हैं दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिटी यूज. ऑल्दो जो इसका फिफ्थ गियर और जो ओवरड्राइव सिक्स्थ गियर है वो जो है इस मोटरसाइकिल को हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी ऑप्टिमाइज कर देते हैं. तो लाइक आई सेड, मैंने इस मोटरसाइकिल को जो है नैरो स्ट्रीट्स पे चलाया, शहरी रोड्स पे चलाया और हाईवे वगैरह पे भी चलाया. तो आई कुड यूज़ ऑलमोस्ट द एंटायर पावर बैंड एंड ऑलमोस्ट एवरी गियर. तो आपको बता दूं मैं कि सिक्स्थ गियर में बहुत आराम से आप इस मोटरसाइकिल को 100 तक की स्पीड चला सकते हैं इन अराउंड 5,000 to 5,200 rpm, एंड दिस मोटरसाइकिल फील्स क्वाइट रिलैक्स्ड एट दैट स्पीड. यही नहीं, इनफैक्ट इवन इन inside city traffic you can easily ride this motorcycle at 25 kilometers per hour in third gear. ye motorcycle stall nahi hogi, although ha agar aapko initial burst chahiye pickup ka to aapko downshift to zarur karna padega. and then again if we are talking about the downshift, main aapko bata dun yahan pe jo iska transmission hai wo bhi bahut smooth hai, bahut hi positive shifts hai, koi bhi false neutral jaisi cheez nahi hai, and the transmission is actually as smooth as the engine, which is then something which will definitely aid that premium feel this bike has on offer. तो ये बात थी आपके इंजन परफॉर्मेंस की. और फिर अगर हम बात करें राइड एंड हैंडलिंग की, तो उस मामले में भी ये मोटरसाइकिल आपको निराश नहीं करने वाली है. यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इवन दो दिस मोटरसाइकिल हैज़ लेस पावर देन द 300R, इट हैज़ अ लॉन्गर व्हील बेस, एंड दैट मीन्स कि हाईवे पे ये मोटरसाइकिल 300R से थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल फील होती है. इनफैक्ट 300 इसके जो लॉन्गर व्हील बेस है वो इसको 300R से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी बना देती है. वहीं द सस्पेंशन हैज़ बीन ट्यून्ड इन अ बिट दैट इट विल Completely react to your quick reflexes, and बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जल्दी जो है direction change कर सकते हैं, because this is a pretty sharp handling motorcycle, and thanks to the wide tires both at the front and at the rear, आपको एक काफ़ी अच्छा grip मिल जाता है. तो you can throw this bike around in corners at a decent speed without losing confidence, which is another good thing. and थर्डली अब हम आते हैं इसके राइड कंफर्ट वगैरह पे, तो उसमें भी ये मोटरसाइकिल आपको कभी निराश नहीं कराएगी, बिकॉज इन ट्रू होंडा फैशन इट ऑफर्स अ वेरी गुड राइड. हमने इसको कुछ स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से निकाला इस मोटरसाइकिल को, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा स्पीड पर निकाला, कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि इसका सस्पेंशन बॉटम आउट होने वाला है या फिर इसकी जो राइड क्वालिटी या कम्फर्ट फैक्टर है वो सफ़र कर रहा है. सो दैट अगेन इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस मोटरसाइकिल. एंड फाइनली लेट्स कम टू द ब्रेकिंग. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें आगे और पीछे दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं. आगे 276 mm का रोटर है, पीछे 220 mm का रोटर है. डुअल चैनल ABS इज स्टैंडर्ड ऑन बोथ द वेरिएंट्स, व्हिच मींस इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है. इट कैन ईजिली शेड हाई स्पीड विदाउट मेकिंग यू नर्वस, तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है. सो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, ऑल्दो दिस वन इजंट एज पोटेंट एज द KTM Duke 250, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन में ये अपनी कजन CB300R जितनी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म तो नहीं कर पाएगी, बट हाँ फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स अगर हम इसकी सिटी में यूजेज की बात करें या इनफैक्ट ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स की बात करें, तो उसमें मोटरसाइकिल आपको कभी निराश नहीं करने वाली है. एंड आई फील दैट इट ऑफर्स अ गुड
मिक्स ऑफ सिटी परफॉर्मेंस एंड हाईवे परफॉर्मेंस, विच मीन्स बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स टाइप का आपको एक ये थोड़ी अलग सी ऑफरिंग मिल जाती है, बिकॉज अगर आप इस सेगमेंट में बाइक ले रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर आप इसको डेली भी यूज़ करेंगे और कभी कभी ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स पर भी ले जाया करेंगे, तो दोनों ही सिनेरियोज़ में ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। ऑल्दो इसकी जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हैं एंड दैट मीन्स थैंक्स टू द लैक ऑफ अ फेयरिंग थोड़ा विंड ब्लास्ट वगैरह आपको ज़्यादा महसूस होता है एट हाई स्पीड्स, बट देन दैट इज़ हाउ ऑल स्ट्रीट फाइटर्स आर, तो उसमें कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है। सो आई बिलीव दैट द CB300F ऑफर्स अ प्रीटी गुड परफॉर्मेंस बोथ इन द सिटी एंड द हाईवे, विच मेक्स इट अ प्रोडक्ट विच इज़ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एंड दैट अलोन इज़ अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द न्यू मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ये तो बात थी नई होंडा CB300F के डिज़ाइन की, फीचर्स की और स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस की। नाउ लेट्स कम डाउन टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। वेल ऑन सेल इन अ प्राइस पॉइंट ऑफ ₹2.26 लाख टू ₹2.29 लाख एक शोरूम, ये मोटरसाइकिल दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है एंड दोनों ही वेरिएंट्स में काफ़ी सारा आपको स्टैंडर्ड किट मिल जाता है। इनफैक्ट द ओनली डिफरेंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट कि जो इसका लोअर वेरिएंट है 2.26 लाख वाला, उस पर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, बट अदर देन दैट यू गेट ऑल द सेम फीचर्स, यू गेट डुअल चैनल ABS, यू गेट स्लिपर असिस्ट क्लच, तो काफ़ी फीचर लेडन बाइक है ये। साथ ही साथ ये बाइक दिखने में भी बहुत अच्छी है, इट्स अ प्रॉपर वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन दैट दिस मोटरसाइकिल हैज़। कोई ऐसा आपको नहीं लगेगा कि होंडा ने डिज़ाइन में कुछ कट प्राइस आपको कुछ ऑफर किया है। सो दिस मोटरसाइकिल लुक्स एवरी बिट अ इंटरनेशनल क्लास मोटरसाइकिल एंड इवन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस इट ऑफर्स अ गुड मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सिटी परफॉर्मेंस एंड रीजनेबल हाईवे परफॉर्मेंस। साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, आप इजीली इसमें सिटी यूजेज में अराउंड 40 से 45 किलोमीटर्स पर लीटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हाईवे पे अप टू 50 भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पैकेज, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये मोटरसाइकिल अपने इमीजिएट कॉम्पिटिशन यानी कि KTM Duke 250 और यही नहीं, इनफैक्ट इवन BMW G310R उनसे कम पावर बनाती है, बट देन इट इज इवन स्लाइटली लाइटर विच काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर द लैक ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस। और यही नहीं, इसका जो प्राइस है वो भी इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी यूनिक पोजिशनिंग दे देता है। सो इफ़ यू आर समवन हु डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड टॉप बक्स ऑन अ से BMW G310R और इवन द होंडा CB300R, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द CB300F एंड बेनिफिट फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास डिजाइन, अ लॉट ऑफ फीचर्स and a performance that will definitely satisfy you both in the city and on the highway. तो दोस्तों ये तो बात थी नई होंडा CB300F की। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यही नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपडेट्स बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मैं हूं आपका होस्ट, तो मुझे प्रयास में फिर से मिलेंगे कब लोग इंडिया पे।